आई गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं सीजे रील। ठीक है, सीजे रील को अगर बनाना है तो इसके अंदर आपको क्या करना करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लाइक मेरे स्टूडेंट्स कई लोगों को मैंने बताया, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया, उन्होंने ये काम भी किया, तो मैंने उनको ही एक प्रोजेक्ट को मैं आपके सामने शेयर करूँ ताकि डिस्कस करूँ, ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई कैसे क्या काम करते हैं। ऐसे कई चीज़ हैं, कई लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे सीजे रील चाहिए, वो भी माया के अंदर, तो मैंने कहा चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये सीजे रील का हम लोग का स्टेप है, अगर मैं यहाँ पर मैं करूँ तो मेरे पास सीजे रील, अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, F5 प्रेस करता हूँ सीजे रील में। अगर देखें हमें पहले क्या चाहिए, आपको वीडियो शूट चाहिए, वीडियो शूट करो या वीडियो डाउनलोड करो, जहाँ से आपको लगता है आप वीडियो शूट और डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ पे। तो व्हाट आई वांट, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक वीडियो यहाँ पे शूट कर रखा है और वीडियो शूट करके ये निकाला हुआ है। ठीक है, बगल में ही है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये आइकॉनिक मॉल है ये पूरा, और ये एनिमेटेड है। याद रखना, अगर आपका उसको सिंगल फ्रेम है तो आपको फिर ट्रैकिंग की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस ले रखा है। अगर आपको मैं डिस्कस करूँ, देखो ये मेरे पास जो वीडियो है वो वीडियो कुछ इस टाइप का है, ताकि लगे एटलीस्ट कि हम लोग यहाँ पे कोई काम करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, तो मूवमेंट है, हल्का फुल्का मूवमेंट है। वीडियो शूट करने के टाइम पे आपको माइंड में रखना चाहिए स्मूथ होना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। तो ये वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस वीडियो को शूट करने के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रैकिंग। अभी ट्रैकिंग कर सकते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट में, कर सकते हैं न्यूक में, कर सकते हैं ब्लेंडर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो आपका जो टारगेट होगा वो आपका होगा आफ्टर इफेक्ट एंड न्यूक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दिस वन। ठीक है, चैनल पे आओगे, सीजेटिस्ट ऑलराउंडर चैनल है, इसमें आप मैनेज करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि भाई आपको क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट टू माया कैसे ट्रैक करो, ट्रैक करने का पूरा प्रोसेस दे रखा है। प्रोसेस आप एक बार फॉलो कर लोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप ट्रैक कर रहे हो। ट्रैक करके उस ट्रैक फाइल को, जैसे वहाँ से कैमरा कैसे लेके आओगे, कैमरा कैसे लेके आ सकते हो माया के अंदर, तो ये मैंने आफ्टर के अंदर पूरा प्रोसेस डाल रखा है, तो आप इससे भी कवर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप न्यूक पे जा रहे हो तो न्यूक भी अगर आपको आता है तो न्यूक के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूक के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा कैसे आप कैमरा को ट्रैक करो, ट्रैक करके कैसे माया में लेके आ रहे हो। तो ये दो वीडियोज़ हैं, ये मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के उसमें, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो। अभी ट्रैकिंग करने के बाद हमें क्या करना है, ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से जो कैमरा जो होगा, कैमरा विद लोकेटर हम लोग लेके आएंगे माया के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी कैमरा इंपोर्ट करना है 3D सॉफ्टवेयर में, तो 3D सॉफ्टवेयर में पास यहाँ पे कौन सा है, माया के अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने कैमरा इंपोर्ट किया, फाइल में आके इंपोर्ट कर लोगे। ठीक है, इंपोर्ट हो जाएगा, कैमरे के साथ आपके लोकेटर भी आएंगे, दिस इज़ कॉल्ड लोकेटर, इसे लोकेटर भी बोलते हैं और ट्रैक पॉइंट भी बोलते हैं। अभी जब आप कुछ भी लेके आने वाले तो इसमें क्या होगा, माया के अंदर एक ऑप्शन क्या मिलेगा, जैसे सेलेक्ट करो, आपको एक बॉक्स बना के रखना है। जैसे बॉक्स है देखो, एच फॉर हाइट करो, यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने मैनेज कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये हमने एक मॉडल बना के अरेंज कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें, यहाँ पे मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, मैं इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग मटेरियल होते हैं, मैं इसको उठा के मैं स्नैप कर दूंगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब लिया मैंने, पॉलीक्यूब मेरे पास यहाँ पे है एंड वी एंड स्नैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो अभी आपका बॉक्स उसी के साथ एनिमेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमें ऐसे स्नैप कर देना है। स्नैप करके आप मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स पे लाइक किस टाइप का चीज़ों को मैनेज करना है। अभी हम लोगों ने देखा मेरे पास क्या प्रोडक्ट क्या, आइकॉनिक, तो इसके अकॉर्डिंग हमें दिखाना है भाई आइकॉनिक है, तो इसका मोटिव क्या है कि कपड़ों की दुकान है, तो हमने कुछ मॉडल डाउनलोड कर दिया। जैसे हमारे नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आने वाला है, ठीक है, मॉडल स्नैप किया ट्रैक पॉइंट पर लोकेटर पर, उसके बाद हमें क्या करना, मॉडल टेक्सचर मॉडलिंग टेक्सचरिंग एनिमेशन है लाइटिंग। ठीक है, तो मॉडल, अगर आपको मॉडलिंग आती है तो मॉडल कर लो, नहीं आता तो मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल आपने डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपको एनिमेशन देना है। अभी यहाँ पे क्या, जैसे उतने दूर में देखिएगा तो बहुत अच्छा नहीं देखेगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्लास को नीचे से ऊपर एनिमेट किया, और यहाँ से क्या किया, जो मॉडल है इस मॉडल को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे एनिमेट कर दिया। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊँ, मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पे, तो बॉक्स को मैंने यहाँ पे दिया एस फॉर की दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पैनल एंड लेआउट टू साइड बाय साइड, ताकि आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, पहले लेआउट टू साइड बाई साइड, देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो ये लोकेटर है, ये कैमरा है, देन यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे फॉर ए टाइमिंग यहाँ तक ये पार्ट आ रहा है, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे ऑटो की ऑन करना है। देखो यहाँ पे स्पेस बार, यहाँ पे देखो टाइम स्लाइडर दिख रहा है, टाइम स्लाइडर रेंज स्लाइडर रेंज स्लाइडर, एंड यहाँ से आपने क्या कर दिया, स्पेस बार प्रेस करना है आपको यहाँ पे कमांड लाइन। ओके, तो आप इन चीज़ को पहले एक बार देख लेना, कमांड लाइन है, ठीक है, और रेंज स्लाइडर है वो भी है, इसके बाद आपके पास टाइम स्लाइडर है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कई हैं, जैसे मैं हेल्पलाइन देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कई दिख रही हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग तो ऐसा मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑटो की ये दिख रहा है आइकन,
एनिमेशन है, एनिमेशन के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑटो की, इस की को आप ऑन करोगे, ऑन करते आपके यहाँ पे क्या होगा कि मैं इस बॉक्स को जैसे यहाँ पे ले गया ना, ठीक है, जैसे मैंने अंडू कर दिया कंट्रोल जेड यहाँ पे, अभी मैंने ये ऑन करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे ले गया कैमरे में यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, ये की ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मैं इसको बाद में, मैंने यहाँ पे रोटेशन देना है रोटेशन दे सकते हो, मैनेज करना है मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर रोटेशन दे रहा हूँ भाई, इतने दूर से मैं रोटेट हो रहा है, और देन एट देन मैं इसको वापस अपने पोजिशन पे मैंने दे दिया भाई, यहाँ से यहाँ तक मैंने उठा के लगा दिया। तो ये मैं बस बेसिक एक एनिमेशन दे दिया मैंने, तो मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना है मैनेज कर सकते हो, एनिमेशन देना है एनिमेशन दे सकते हो। अभी जब आप कैमरा लेगा तो कैमरा लेके आने में आपको क्या चाहिए, जैसे कैमरा लेगा तो कैमरे के अंदर आपको यहाँ पे इमेज सिक्वेंस भी इंपोर्ट करना पड़ता है, कैमरा है कैमरे के अंदर देखो, यहाँ पे कैमरे के आप जैसे यहाँ पे गए पैनल एंड लुक थ्रू कैमरा, ठीक है, अभी यहाँ पे गए कैमरे के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे इमेज प्लेन देखना पे आप यहाँ पे इमेज प्लेन में इमेज सीक्वेंस आपको लेके आना पड़ेगा, इमेज सीक्वेंस आप आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर किसी से भी आप यहाँ पे देखो इमेज सीक्वेंस है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, इसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने ओपन किया यहाँ पे यूज इमेज सीक्वेंस कर लेना, ताकि पूरा का पूरा इमेज सीक्वेंस यहाँ पर आ जाए। सेटअप बनाया है, सेटअप बनाया आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, बॉक्स लगा के हमने लोकेटर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 4, 5 एंड 6 दिख रहे हैं यहाँ, देन आप छोटी मोटी चीज़ को जैसे हमें कुछ एनिमेट करना है तो बॉक्स लेके मैंने एनिमेट कर दिया, ग्लास लेके, ठीक है, लाइटिंग करना है तो लाइटिंग के लिए आप यहाँ पे देखो एक हमने HDR लगा रखा है, तो HDR से एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसके अंदर भी मैंने कुछ लाइटिंग का पार्ट अलग से दे रखा है कि यहाँ पे मैं चीज़ मैंने अलग से लाइट लगा के आईएस लाइट एंड ऑल द थिंग मैंने मैनेज करके दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, मॉडलिंग टेक्सचर एनिमेशन है फुल एंड फाइनल यहाँ पर आएगा। एट देन में यहाँ पर रेंडर करना है, रेंडर करने का दो तरीके हैं, एक आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप रेंडर निकाल लो तो आप सिर्फ इतने मॉडल का रेंडर निकालोगे तो भी काम चलेगा, या फुल भी रेंडर निकाल सकते हो, ठीक है, तो अगर आप इतने पार्ट का निकालो तो आपको PNG का रेंडर निकालना पड़ेगा, मतलब आपने इतने में PNG रेंडर निकाल लिया। इसमें आई सजेस्ट कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपको, यहाँ पे इमेज सीक्वेंस मैंने आपको दिखा था, ये इमेज सीक्वेंस इस टाइप से होता है, ठीक है, इसके बाद अगर आपके साथ डिस्कस किया जाए, देखो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, और कई बार जब आप HDR के साथ काम करते हो तो यहाँ पे ऐसे भी इंपैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट बैर होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पहला फर्स्ट पार्ट है, ताकि देखें कैसे आ रहा है, इसमें कोई लाइट वाइट नहीं लगाया, ठीक है। आफ्टर देन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं बस यहाँ पर माया में गए, यहाँ पर देखो अभी यहाँ से हमने क्या किया, रेंडर सीक्वेंस हमने निकाला, रेंडर सीक्वेंस हमने ऐसा निकाला क्या, अभी देखो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अलग से रेंडर सीक्वेंस दिख रहा है तो पूरा पूरा रेंडर सीक्वेंस डायरेक्ट भी निकाल लगा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। रेंडर सीक्वेंस में अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे देखो ये ब्लास्ट है, तो पहले प्लेबैक बना के देख लो आपका एनिमेशन ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लेबैक बना के देखोगे तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा, मैंने यहाँ पे देखा भाई प्लेबैक सही आया, उसके बाद रेंडर निकालना है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे कुछ लाइटिंग एक नेक्स्ट लेवल में देगा, चैनल पर आप देखोगे तो इसके लाइटिंग मैंने डाल रखा है, कि आप चैनल पर देखो यहाँ पर लाइट कैसे मैनेज कर रहे हैं, लाइट को किस टाइप से रख रहे हैं, ये इंडोर लाइटिंग बोलते थे, इंडोर लाइटिंग ये आउटडोर में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आउटपुट आएगा। अभी इन सब चीज़ के बीच में आपको इस चीज़ें क्या आ रही है कि भाई आपको चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, रेंडर कैसे निकालना है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा आता है, जब रेंडर में जाओ तो रेंडर सेटिंग में जाओ, ठीक है, रेंडर सेटिंग में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मुझे आर्नल में रेंडर निकालना है, फ्रेम कितने से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है तो 0 पे कर दिया हमने, यहाँ पे कितने फ्रेम तक है, 239 तक है तो 239 कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी रेंडर निकाल सकते हो, अगर आप यहाँ पर रेंडर निकाल लो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, रेंडरिंग में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर रेंडरिंग रेंडरिंग में जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है। अब देखो रेंडर के दो तीन तरीके हैं, एक आपका माया रेंडर है, तो अगर आपको आर्नोल्ड रेंडर निकालना है तो आपको रेंडर सीक्वेंस पे क्लिक करना पड़ेगा, रेंडर सीक्वेंस पे क्लिक करोगे तो रेंडर निकल के आ जाएगा, आप इसका पाथ बना लेना, प्रोजेक्ट सेट कर लेना, प्रोजेक्ट सेट करोगे तभी काम होगा, यहाँ से प्रोजेक्ट सेट होता है, मैं यूजुअली अपने वीडियो में बता ही देता हूँ भाई प्रोजेक्ट कैसे सेट करते हैं, तो आप प्रोजेक्ट सेट कर लेना, ओके, और देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेंडर में जाकर आपको रेंडर सीक्वेंस निकालना है, अगर आप आर्नोल्ड में निकाल लें, आर्डनल में सब कुछ एक साथ निकलने वाला, अगर आपको पासिस में निकालना है तो पासिस में आप ये भी यूज़ कर सकते हो, माया में निकाल लेता हूँ, तो दोनों आपको पता रहना चाहिए, दोनों के बारे में डिटेल मैंने शेयर कर रखा है, जैसे आप यहाँ पे निकालोगे तो रेंडर निकलेगा, रेंडर का पार्ट कहाँ जाना वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी रेंडर वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, तो ठीक है। इस एक चीज़ में आपको और बताया था, जैसे मैंने बताया कि भाई क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक हम लोगों ने स्पेशल एक मटेरियल यूज़ किया है जिसका नाम है AI शैडो मैट, ठीक है, जो लोग आर्डनल में काम करने वाला वो AI शैडो मैट यूज़ करेंगे यहाँ के लिए, जो लोग माया के अंदर काम करने वाले हैं उसके लिए आपके पास अलग होता है यूज़ बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो आप अलग अलग चीज़ों को स्टडी करना चाहो तो चैनल पे मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, स्टैंडर्ड लाइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, ठीक है, आप AI यहाँ पे
शैडो मैट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ताकि यहाँ पे ये इसका पार्ट लगे। अंदर वाले में यहाँ पे मटेरियल नॉर्मल रख रखा है लैम्बर्ट का, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। देन दूसरा बट हम लोगों ने जो यहाँ पे काम किया, यहाँ पे देखा ये हम लोगों ने जो रेंडर निकाला वैसा रेंडर निकाल रखा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी रेंडर निकाल सकते हो, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पार्ट नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे अगर शैडो चाहिए तो मैं नीचे भी एक प्लेन लगा के शैडो मैट यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे कैसे फुल एंड फाइनल यहाँ पे रेंडर हम लोग यहाँ पे लेके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से हमने क्या किया, हम लोगों ने इमेज सिक्वेंस कॉल कर लिया रेंडर निकाल के। इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपने एक पूरा काम कर लिया तो इसके बाद आप यहाँ पे कुछ कलर करेक्शन पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या ल्यूमेट्री हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ल्यूमेट्री कलर होता है, ल्यूमेट्री के साथ आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड देन आप इस पर भी डाल सकते हो, ठीक है, लाइक दिस वन, तो आप यहाँ से मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। कर्व कैसे मैनेज करना है, किस टाइप सब चीज़ों को फुलफिल कर, देखना पे थोड़ा सा डार्क करेंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा यहाँ पे। लाइक कलर करेक्शन में किस टाइप से मैनेज करना है, लट यूज़ करना है तो लट यूज़ कर सकते हो, मैंने वहाँ पे एक एच डी भी यूज़ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज करने वाले, एक्सपोजर एक्सपोजर देखा यहाँ, देखा एक्सपोजर थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, ज़्यादा तुम तो कम कर सकते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट आप मैनेज कर दोगे तो बता आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। और बाकी चीज़ें, ठीक है, तो मैंने अभी काम कर रखा है तो चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ऐसा कुछ काम करके फुल एंड फाइनल एक आउटपुट निकाल लेंगे और ये हमारा आएगा फाइनल आउटपुट कि भाई चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो एक छोटा सा सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स था जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो सब कुछ मैंने यूज़ करके चैनल पर डाल रखा है, तो मैं दो चार वीडियोस आपको लिंक में डालूंगा ताकि चीज़ों को फुलफिल किया जा सके यहाँ पर।